नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में आप लोगों का। देखिए, कल जो हमने क्लास किया था, ठीक है, वो किसी ने कमेंट नहीं किया यार। कोई भी उत्तर जो भी आता है उसमें लगाए नहीं हो क्या आप लोग? देखिए, आप लोग लगाते रहिए, ठीक है, नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। प्रैक्टिस आप लोगों की नहीं होगी फिर मैं यहाँ कितना भी कोशिश करके लगवा दूँ तो दिक्कत में ही रहेगा, है ना? क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए ठीक, आज इस टाइप के क्लास की लास्ट क्लास है ना। हम देख लेते हैं, इसमें लगभग कुछ और टाइप के जो सवाल हैं वो मैं आज उनको पूरा करा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, जैसे इसमें एक सवाल इस टाइप का भी आता है, जैसे आपको त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं ना, तो उसमें दो भुजा की लंबाई दे दी है, तीसरे भुज आखिर हम लोग ये जो साइन का स्टैंड करेंगे तो भुजा की लंबाई है ना, ठीक है। और इसी तरीके से आज हम कुछ सवाल देखेंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट वगैरह करते रहिए मेरे भाई, आप लोग कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? नहीं समझ में आ रहा क्या? देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को जितना इजी वे में हो सके सिखाने की, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और चालू किया जाए, आ गए सब लोग? आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ, मैं 1 मिनट 20 सेकंड का और टाइम लूंगा, ठीक है। हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, उसी में से मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने की, है ना। और आज हम लोग देखिए क्या सीखेंगे, जैसे एक त्रिभुज हो गया, यहाँ से कोई त्रिभुज हो गया है ना, इसका हम ले लेते हैं ए बी और सी। मान लीजिए इस भुजा की लंबाई 5 है, इसकी 7 है, इसकी क्या है 6, ऐसे ही मान लेते हैं। तो तीनों भुजाओं की लंबाई, मान लीजिए कोई एक गायब हुआ इसमें से, तो उसी को हम ज्ञात करेंगे आज, ठीक है। उसी को ज्ञात करके और फिर साइन का स्टैंड का हम निकालेंगे, है ना। कुछ इस तरीके का देख लेते हैं, जैसे आपकी किताब में जो सवाल है, पहला वाला दिया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी सम कोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का पूछा है, कास ए का पूछा है, साइन सी का पूछा है और कास सी का पूछा है। इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी में, मैं लिख देता हूँ पूरा सवाल, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है, क्या है, समकोण है, हाँ, कोण बी एक समकोण, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समकोण है। और दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, जो ए बी उसकी भुजा है वो कितना है 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करो, किसका करना है? पहला सवाल आपके पास जो है साइन ए और क्या है कास सी, तो दूसरा जो सवाल है उसके में क्या है साइन सी और कास सी, साइन सी और कास सी, यही चीज यहाँ करना है। अभी आप लोग जब देखेंगे ना इसमें, तो इसमें अब की बार क्या दिया है, हम लोगों को पिछली बार देता था साइन थीटा बराबर इतना है, लंब बटे कर्ण लगा के, पाइथागोरस प्रमेय लगा के, ये सूत्र लगा के निकाल लेते थे। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि एक त्रिभुज दे दिया है, त्रिभुज में कोण भी जो है समकोण, समकोण मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री का होगा, है ना, 90 डिग्री हो गया समकोण। उसमें जो ए बी भुजा है कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर। अब हम इसको चित्र द्वारा समझेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, अब हम यहाँ पे हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कोण बी जो है वो क्या है समकोण है, तो हम एक ऐसे बना लेते हैं त्रिभुज। अब इसमें से समकोण कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब जो एकदम ऐसे ऐसे होता है, ठीक।
जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम बी मानेंगे, क्योंकि बी क्या है, समकोण है, और समकोण 90 डिग्री होना चाहिए, एकदम ऐसे होना चाहिए। अब इसको हम ए मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, क्योंकि एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण भी होते हैं, तो ए बी और सी। दिया क्या है, ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए से बी यहाँ पे क्या है, ये 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर, बी और सी कितना है 7 सेंटीमीटर, ए और सी हमको नहीं पता है। अगर हम नॉर्मली इसमें बात करें, यहाँ से जो सवाल पूछा गया है, साइन ए कॉस कॉस सी होना चाहिए, कॉस ए होना चाहिए, कॉस ए है यहाँ पे, हाँ, जो साइन ए और कॉस, इसके हिसाब से तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, ये क्या हो गया कर्ण। तो सबसे पहले यहाँ पे कर्ण हमारे पास नहीं है, तो कर्ण हम किससे ज्ञात करेंगे, इससे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण हमको ज्ञात करना है। कर्ण का मतलब क्या है, ए और सी, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना हमारे पास 7, आधार कितना है 24, ठीक है। अभी कर्ण का वर्ग बराबर इतना आ रहा है ना समझ में, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, हाँ, कर्ण का वर्ग बराबर 7 × 49, और 24 का कितना होगा देखिए, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख के गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। 4 × 16, 4 × 2 = 8 और 1 = 9, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4, 5 × 6 = 76 आना चाहिए, यहाँ हो गया 6, 9, 8, 17, और 4 यहाँ पे क्या हो गया 576। अभी 576 में 49 हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर 576 और प्लस 49 यहीं पे हम कर देते हैं 225 होना चाहिए। 9 और 6 कितना हो गया 5, 7, 4, 11 और 1, 12, 625, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 625। अभी जब कर्ण यहाँ से इसका स्क्वायर हटेगा तो उस साइड में क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे के बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 625, और 625 का क्या होता है 25, अगर 25 को हम दो बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 625। अब ये 25 जो है हमारा कर्ण है, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर क्या हो गया, कर्ण हो गया। एक है हमारे पास 24 और 7 और 25। अब हम आ जाते हैं सवाल पे, अब हमारा लगभग आधा काम हो चुका है, थोड़ी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, ठीक है। जिसे हम लोग, ठीक है, इतना सा पूछ हो गया। अब हमको क्या पूछा गया है, साइन ए का मान हम पहला यहाँ पे उठाते हैं, पहला जो आपका सवाल है यहाँ पे, साइन ए यानी कि हमको कोण ए की बात की गई, ठीक है, यहाँ पे ए लगाया है मतलब यहाँ की बात की गई है, तब यहाँ पे हम, यहाँ पे जो ये कोण ए बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये चीज आधार हो गया, ये चीज क्या हो गया कर्ण। तो साइन थीटा में या साइन ए में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ऊपर आपका लंब हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा कर्ण। तो इस हिसाब से जब साइन ए कोण बना है तो यहाँ पे कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये ऊपर क्या हो गया 7 और लंब बटे कर्ण, यानी कि नीचे क्या हो गया 25, यानी कि ये आपका साइन ए जो है ये पहले का उत्तर हो गया। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब हो गया और बटे कर्ण हो गया। दूसरा क्या है, कॉस ए, कॉस ए का क्या होता है, हम सूत्र में देखेंगे, कॉस ए क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है, अगर कोण ए की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, कोण ए इसी पे फोकस कीजिएगा क्योंकि अब इसी की बारी आएगी। तो कोण ए के हिसाब से लंब ये हो गया, आधार 24 हो गया, तो अब की बार कॉस ए पूछा है, तो आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है हमारे पास 25, ये पहले वाले का उत्तर हो गया और ये दूसरे मतलब इसका हो गया और इसका हो गया। अब ये बचा है, इसमें आप लोग थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कोण ए की बात नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, साइन सी,
साइंस सी का मतलब देखिए सी वाला कोण कहाँ पे है हमारे पास, सी वाला जो है ऊपर है। अब की बार हमारी कोण क्या है, कोण सी, कोण सी की बात हो रही है, ठीक है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे कोण बनता है, जैसे कोण सी की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। अगर कोण ए बनता है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, ये वाला लंब। अगर ये जो भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो तो हमेशा फिक्स रहेगी, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होगी, कर्ण। लेकिन दो चीज में बदलाव होता है, 90 डिग्री के सामने वाली को छोड़ के दो कोणों में बदलाव होता है, उसके लंब और आधार में। अगर यहाँ पे कोण सी दिया है तो उसके हिसाब से लंब ये होगा, अगर कोण ए दिया है तो इसके हिसाब से लंब ये हो गया, अगर ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया कोण ए के हिसाब से, और कोण सी के हिसाब से ये चीज सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये जो बचा है ये क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉस साइन सी दिया, ठीक है, हमारे पास क्या है साइन सी, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन सी। अब सी का मतलब इस वाले कोण की बात हो रही है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, लंब, और बटे क्या होता है, कर्ण, यानी कि कर्ण हमारा क्या है 25, ये आया। इसमें दूसरा जो भाग है कॉस, कॉस सी, अब फिर से सी की बात हो रही है, सी के हिसाब से ये वाला लंब हो गया, ये वाला क्या हो गया, आधार। तो कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया 7, और कर्ण कितना हो गया 25, ये वाला हो गया दूसरा सवाल। देखिए आप लोग इसमें जरूर फोकस कीजिए, ये जो कोण बन रहा है ना यही सब खेल कर रहा है, नहीं तो देखिए यहाँ पे साइन है साइन सी, बहुत से बच्चे क्या करते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यहाँ भी वही सेम उत्तर, यहाँ भी सेम उत्तर, लेकिन ये गलत हो जाए, है ना। आप लोग स्क्रीन शॉट लेना है इसका, लेना चाहें हो गया ये वाला। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हम लोग, चलिए इस टाइप में जो और दूसरे सवाल हैं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, पहला तो ये हो गया। उसके बाद क्या कहा है, यदि टैन ए, यदि टैन ए बराबर कितना दिया है, 1/√3, हाँ 1/√3, तो मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, इसमें पहला सवाल जो है आपके पास साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस दिया है, माइनस प्लस दिया होगा सर, कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग दूसरा भी क्या, चलो दूसरा भी लिख देते हैं। दूसरा ज्ञात करना है हमको कॉस ए कॉस सी, कॉस ए और कॉस सी, और माइनस में साइन ए साइन सी, साइन ए और साइन सी, बीच में इंटू का निशान। ये ऊपर वाला एक सवाल दिया है और पूछ क्या रहा है, मान पूछ रहा है ना, ऊपर वाला ये थोड़ा सा दिया है टैन ए इतना इतना, उसके बाद ये पूछ रहा है। कोशिश कीजिए आप लोग लगाने की, कितने लोग लगा लेंगे इसको,
चले। आप लोग यार देख लेते हो ना, तो लाइक कर रहे हो ना तो कमेंट कर रहे हो, कुछ क्या गड़बड़ है क्या सही, कम से कम बताया करो, हो सकता है मैं आगे दूर करूं, है ना। अभी हमारे पास उतना सिस्टम है नहीं कि मतलब बहुत अच्छा वीडियो बनता हो, कभी कभी शायद वॉइस की क्वालिटी भी गड़बड़ आती होगी, है ना। इसको मैं ऊपर लगा लेता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ आएगी, ठीक है। हो सकता है कभी वॉइस की क्वालिटी गड़बड़ हो, कभी वीडियो की क्वालिटी गड़बड़ हो जाती है ना। तो सब कुछ देखते हैं और सोचते भी हैं कि दूर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ और दूर भी हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में। लेकिन आप लोग एक काम किया करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप लोग देख के निकल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ठीक है, कर दिया करो। चल सवाल पूछते हैं। यहाँ पे हम इसको जब हल करेंगे, सबसे पहले हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी, हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। कोण बी क्या है, समकोण, यानी कि ये जो हो गया बी, ये हो गया 90 डिग्री, इसके हिसाब से ये क्या हो गया कर्व। अब दिया है टैन ए बराबर 1/√3, यहाँ पे टैन ए बराबर 1/√3 क्या दिया है, रूट तीन। अब टैन ए यहां से देखिए, ये बी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ए और सी, ए बी और सी पूरा हो गया, त्रिभुज ए बी सी हो गया। दिया है टैन ए, टैन ए में क्या होता है, एक लंब होगा ऊपर और नीचे क्या होगा आधार, टैन थीटा में लंब और आधार दो चीजें होती हैं, तो ऊपर वाला लंब हो गया नीचे वाला आधार, ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार, यानी कि ये जो आधार हमारे पास है रूट तीन और ऊपर क्या है लंब जो है हमारे पास एक है। अब हम क्या करेंगे, एक तो गायब है, इसको निकालने के लिए हम इस फार्मूले पे आएंगे तुरंत, यहाँ से हम उसको कर्ल निकालेंगे। चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, कर्ण हमारे पास नहीं है उसको हम ध्यान कर रहे हैं, लंब हमारे पास एक है और ये क्या है रूट तीन। कल बताया गया था कि जब किसी के ऊपर रूट और स्क्वायर दोनों लगा तो स्क्वायर क्या करता है रूट को हटा देगा और तीन केवल बचा रहेगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 + 3, 3 और 1 मिनट के हो गया 4, यानी कि के बराबर ये हो जाएगा √4 और के बराबर आएगा कितना 2, यानी कि हमारे पास कर्ण कितना आ गया 2। आप लोगों की ये सब चीजें बहुत तेजी से करनी पड़ेंगी, है ना, ये चीजें बहुत तेजी से करना आप लोगों को। अब हम आ जाते हैं इस पहले वाले सवाल पे। पहला वाला जो सवाल है आपके पास दिया है साइन ए, कहाँ पे देखो यहीं पे, कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, इसी को हमको ज्ञात करना है, ये पहला है आपका। दूसरा भाग हम अभी ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर साइन ए की बात हो रही है, मतलब कोण ए की बात, अब देखिए कल जो सवाल हम लोग लगा रहे थे उसमें हम कोण पे फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कोण पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए दिया है सी दिया है, ए दिया है सी दिया है, कभी सी दिया है कभी ए दिया है, तो अब हमारा जो फोकस होना चाहिए यहाँ पे भी होना चाहिए, है ना। अगर ए दिया है तो हम इसको उठाएंगे, अगर सी दिया है तो हम इस पे जाएंगे, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन ए, साइन ए मतलब इसकी बात हो रही है, इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तो साइन में क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम गुणा का निशान लगाएंगे। कॉस सी, सी यानी कि अब सी पे फोकस करा रहा है, कॉस सी यानी कि ऊपर वाले कोण पे, है ना। तो कॉस सी के हिसाब से ये वाला क्या होगा लंब और ये क्या होगा कर्ण। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ कॉस सी के हिसाब से ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, लेकिन कास वाले फार्मूले में हमारे पास क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके हिसाब से सी के हिसाब से ये वाला तो लंब हो गया लेकिन ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो गया कर्ण। तो सी वाले में क्या होगा कास का क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार एक हम क्यों ले, क्योंकि सी के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी और ये क्या होगा आधार होगा। अगर ए की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी लंब हो जाएगी और ये क्या होगी आधार। अब हम फिर आ जाते हैं कॉस ए, इस बार बदल जाएगा सब कुछ। देखिए कॉस ए, कॉस ए में हमारे पास क्या होगा आधार बटे कर्ण,
यानी कि cos A इस वाले कोण की बात हो रही है, तो इसके हिसाब से ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया कर्ण। तो cos A के हिसाब से आधार बटे कर्ण यानी कि रूट तीन बटा कितना दो गुणे साइन C, साइन C। अब हम C पे फोकस करेंगे, C के हिसाब से ये क्या हो गया लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया कर्ण। तो साइन C दिया है, साइन C के हिसाब से ये वाली भुजा क्या हो गई लंब, तो लंब बटे कर्ण हमारे पास क्या है दो। समझ में आया सब कुछ, A और C का खेल समझ में आया। देखो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, अगर C पे फोकस करेगा तो C के हिसाब से लंब ये होगा और आधार ये होगा, कर्ण फिक्स रहेगा। अगर A पे बात करता है, A पे अगर इसकी बात करेगा तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार, ये कर्ण होगा जो फिक्स होगा, है ना। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, लंब और आधार चेंज होगा। A कहेगा तो इसके हिसाब से लंब ये, C कहेगा तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाए। देखो मैं एक बार थोड़ा सा, कभी भी जब सवाल दे रहा है यहाँ पे जैसे कोण दिया साइन ए दिया साइन सी दिया, तो जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाली ठीक भुजा क्या हो जाएगी लंब, बाकी जो उससे छोटी वाली मतलब उसके बगल में जो भुजा हो मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हो जाएगी कर्ण, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आधार। एक बार फिर से, जो भी कोण की बात करेगा ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे थे, जिस कोण पे फोकस होगा उसके सामने वाला क्या होगा लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये फिक्स रहेगी और जो बचेगा वो क्या होगा आधार, चाहे ए हो बी हो सी हो चाहे जो हो। अब हम हल करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे एक गुणे एक ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा और दो दुनिया कितना हो जाएगा नीचे चार, रूट तीन और रूट तीन, कोई भी चीज जब रूट में रहेगा और समान रहेगा दो बार इकट्ठा हो गया तो उसमें से केवल हम एक बार लिखेंगे रूट तीन केवल क्या आ जाएगा तीन और दो दुनाई कितना हो जाएगा चार। अब हर बराबर है, ये नीचे चार तीन और एक मिलके क्या हो जाएगा चार, ये कैंसिल होके बचेगा कितना एक, ये आपके पहला वाला उत्तर हो गया, ठीक है। अभी हम दूसरा वाला करते हैं यहीं पे, दूसरे वाले में क्या दिया है cos A cos C माइनस साइन ए और साइन सी, ठीक है। इस वाले में देखिए जहां पे फोकस कर हम बात करेंगे cos A, A के हिसाब से लंब ये हो गया आधार ये हो गया कर्ण ये, तो cos A में क्या होगा आधार बटे क्या होता है कर्ण गुणे। अब C की बात कर रहा है, C के हिसाब से ये लंब हो गया ये आधार हो गया, तो आधार बटे कर्ण यानी कि एक बटा दो माइनस साइन ए, साइन ए यानी कि इसकी बात हो रही है तो लंब ये हो गया और कर्ण क्या हो गया ये आधार ये, लंब बटे क्या होता है कर्ण गुणे साइन सी, सी के हिसाब से लंब ये हो जाएगा आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये, जिस भुजा की बात होगी उसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, तो ये क्या हो गया लंब बटे कर्ण यानी कि रूट तीन बटा दो। अभी गुणा का क्या नियम है, ऊपर ऊपर हो जाएगा, ये क्या होगा रूट तीन और बटे चार माइनस ये क्या होगा रूट तीन बटे चार, ये तो रूट तीन बटे चार वही सेम हो गया, तो ये प्लस ये क्या माइनस हो जाएगा कैंसिल बचेगा क्या जीरो, ठीक है। आप लोग चाहे स्क्रीन शॉट ले लें इसका, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट वगैरह करते रहा करो, समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है, कर दिया करो।
दोस्तों को भी यार शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक करवा दिया करो, ठीक है। ये हो गया, अभी क्या बच रहा है इसमें से, हाँ ये सब त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में कौन सा समकोण है जिसका कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण है। कुछ स्पष्ट हुआ? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान बताओ। किसी को समझ में आ रहा क्या होगा? सबसे पहले हम लोग समकोण पे फोकस करेंगे, वहां से कोण बनाएंगे, ठीक है। चलिए हल करते हैं जल्दी से। यहाँ पे कोण क्यू क्या है, समकोण है, तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। क्यू क्या हो गया 90 डिग्री, है ना। क्यू क्या हो गया 90 डिग्री। और क्या दिया है, हाँ पी 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 क्यू बराबर 5, यानी कि हम नाम कर देते हैं पी क्यू क्या हो गया आर। अभी पी और क्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और एक चीज और दिया है, यहाँ पे कुछ तो नहीं दिया है, चलिए ठीक, केवल ये दिया है। अब एक हमारे पास क्या है, पी आर बराबर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर। यहां से हम क्या करेंगे ना, पी आर बराबर इसको पश्चांतर कर देंगे, उस साइड में बराबर के उस साइड होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 25 माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर। ये यहाँ पे हम कर लेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं ये पाइथागोरस वाला, ठीक है। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आवाज आ रही, क्लियर बताइएगा सब लोग, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आवाज में कुछ दिक्कत हो, नहीं होना चाहिए, ठीक। अभी देखिए कर्ण हमारे पास क्या, अभी ये नाम दे दिया तो हम इसको ए बी सी डी नहीं कर सकते यहाँ पे, या एक्स वाई जेड नहीं कर सकते इसको। जो यहाँ पे नाम दिया है उसी के हिसाब से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही दे दिया है इतना इतना ये है। तो यहाँ पे कर्ण क्या हमारे पास पी और क्या है आर है, यानी कि पी आर का स्क्वायर। और लंब कितना दिया है, आर और क्यू स्क्वायर या क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, पी और क्यू पी क्यू का स्क्वायर। अभी देखिए पी आर, पी आर के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, 25 माइनस क्यू आर। पी आर के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर अगर दिया है तो स्क्वायर कर देंगे। यहां से देखिए इसका मतलब यही दिया था कि हम लोग कितना सोच पाएंगे यहां से, है ना, वही इसीलिए तो दिया। ये क्या हो गया क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी और क्यू, यानी कि पी यहाँ पे क्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर। अभी इसको क्या करेंगे, एक हमारे पास सूत्र होता है, यहाँ पे ये सूत्र लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होता है, 2ab, वही हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम ए मानेंगे, ये बी मानेंगे, ठीक है। नॉर्मली उसे देख दे रहा हूँ। और बराबर के उस साइड भी बचा क्या है,
क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का हम जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25। इतना आ रहा है सभी लोगों को? देखिए अभी तक क्या हुआ है, यहाँ पे ये सवाल दिया था कोण क्यू क्या है, समकोण, हमने इसको 90 डिग्री बनाया, नाम रखा पी क्यू और आर। पी क्यू बराबर कितना दिया सवाल में आपके, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक रिलेशन दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो हम यहाँ से पी आर बराबर निकालेंगे, ये प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस। अब उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय पे, ये निकालने के लिए पी आर, ठीक है। तो यहाँ से पी आर का स्क्वायर, यल हमारा क्या है, लंब है, क्यू आर हो जाएगा, और आधार क्या है, पी और क्यू का स्क्वायर। ये इतना समझ में आया? अभी देखिए पी आर बराबर हमारे पास क्या है, 25 माइनस क्यू आर, तो हम इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू, हमारे पास 5 दिया तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो हमने लगाया बराबर के उस साइड में जो बचा था उसको लिखा, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। बस इतना ही, देखिए 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625 प्लस क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 का, अगर दो बार हम गुणा करेंगे 25 में 2 से, तो 50 यहाँ पे क्यू आर हो गया, बराबर ये होगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस कितना, 25। अभी हम पश्चांतर करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्यू आर को इधर ले आते हैं, ये चीज उधर ले जाते हैं, या ये पूरा चीज उधर ले जाएंगे, ये पूरा चीज इधर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये क्या होगा, माइनस क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 25 होगा। देखिए क्या हुआ, ये चीज हमने इसको ऐसे रखा, ये चीज ऐसे रखा, ये चीज हमारा फोकस है क्यू आर पे, कैसे ये निकल जाए। तो क्यू आर को हम ले जाएंगे उस साइड में, ये दोनों चीज ले आए हम इस साइड में, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, बराबर के उस साइड में ये माइनस था तो उधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 50 क्यू आर। यहाँ से ये एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो गया, 625 में से अगर 25 जाएगा बचेगा कितना, 600 बराबर 50 क्यू आर। 50 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, 600 बटे क्या होगा, 50 बराबर क्या हो गया, क्यू आर। यहाँ से ये चीज कैंसिल, ये चीज आ जाएगा 12 बराबर क्या आ गया, क्यू आर। यानी कि ये वाली भुजा क्यू और आर कितना आया हमारा, 12। एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है, अब हमारे पास पी आर का मसला फंस रहा है, तो पी आर हम यहाँ से निकाल देंगे, 25 माइनस ये क्यू आर घटा देंगे आ जाएगा। देखो जरा क्या होगा, यहाँ पे पी आर जो दिया है कितना है, 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर हमारे पास कितना है, 12। तो यहाँ से हम पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर कितना है, 12, तो पी आर बराबर 25 में से 12 जाएगा बचेगा कितना, 13, यानी कि ये आ गया 13। अब तो हल हो गया, ठीक है। चलिए अब हमारे पास सब चीज उपस्थित है, देखिए अब तक सवाल में क्या हुआ हम देख लेते हैं एक बार। कोण क्यू समकोण था हमने बनाया, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया था, ये और ये हमारे पास नहीं था, ये हम निकालेंगे, और एक रिलेशन दिया था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो पी आर बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पी आर के स्थान पे हम क्या रखेंगे, ये देखो कर्ण का वर्ग यानी कि पी आर का वर्ग, तो उसके स्थान पे हम इतना लिख के स्क्वायर करेंगे, बाकी सेम चीजें कैलकुलेशन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे सूत्र लगेगा। उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हुए आएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्यू आर क्या आ गया, 12। अब यहाँ पे जो रिलेशन बना था इसको मैं बंद करता हूँ थोड़ा देर के लिए, पी आर बर 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर अगर हमको दिया है तो 25 में से अगर हम क्यू आर घटा देते हैं तो पी आर तो आ ही जाएगा, और क्यू आर हमारा निकला है 12, तो 25 में से हमने क्या किया, 12 घटा दिए, तो पी आर आ गया हमारा 13। सवाल क्या है, साइन पी, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन पी के हिसाब से ये चीज क्या हो जाएगी, लंब, ये चीज क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी कि 12/13, ये पहला हो गया। कॉस पी,
पी के हिसाब से ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। आधार बटे कर्ण काश में होता है, तो आधार कितना हो गया 5 और कर्ण हमारे पास क्या हो गया 13, साइन काश हो गया। अभी आती है बारी टेन पी दिया ना, पी पी के हिसाब से ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो टेन में क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि 12 बटे कितना 5, ये भी आपका हो गया। समझ में आई, ये काफी लंबा ले गया, ठीक है। ये सब सवाल आएंगे तो 2 नंबर 3 नंबर कम से कम तो देगा ही इतना, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक मैं सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मान लीजिए हो गया 13, ये 11 और ये 12, ए बी और सी। तो हमको साइन सी का मान, कॉस ए का मान और टेन ए का मान। देखिए हम क्या करेंगे, कोण के हिसाब से इसके साथ कुछ का अगर कंफ्यूजन रहेगा तो इसमें दूर हो जाएगा। साइन सी के हिसाब से लंब ये हो गया इसके सामने वाली भुजा, और कर्ण क्या है 13, ये पहला हो गया। कास ए ये हमारा ये है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये हो गया आधार। जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब। जिस कोण की बात होगी ए बी सी कुछ भी, केवल जो सबसे लंबी भुजा इसको छोड़ के, अगर ए की बात होगी तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधा। अगर सी की बात होगी तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधा। तो कास ए, कास ए का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कास ए के हिसाब से लंब ये हो गया आधार, ये आधार बटे क्या हो गया कर्ण। टेन ए, टेन ए के हिसाब से लंब ये हो जाएगा और लंब बटे आधार, यानी कि आधार ये हो गया। ये चीज क्या होगी सही हो, ठीक है। लाइक वगैरह नहीं कर रहे हो, करो मेरे भाई करो। और जो लोग अपने यार दोस्त को बताओ यार, ना लाइक बढ़ रहा है ना और कुछ बढ़ रहा है, कम से कम कुछ तो साथ दो, कमेंट किया करो, क्या दिक्कत आ रहा है क्या नहीं दिक्कत आ रहा है। लाइक किया करो, लाइक करने से क्या होगा आपका कुछ नहीं जाएगा, बस ये होगा कि मुझे ये लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो शायद अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक सिद्ध करने वाला सवाल दिया है इसमें, ये भी एनसीईआरटी का है, दिया है 3 cot A = 4। 3 cot A = कितना दिया है 4। तो सिद्ध कीजिए कि वन माइनस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सिद्ध करना सवाल सही है, चलिए ठीक है। इसको हल करने के लिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग आधार लंब कर्ण पाइथागोरस से निकालेंगे, उसको उस पर रखेंगे उधर और उधर दोनों तरफ हल करके देखेंगे दोनों मान बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे ना, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 cot A = कितना 4, यानी कि काट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3। काट में क्या होता है ऊपर आधार होगा नीचे क्या होगा लंब होगा, यानी कि ये वाली चीज क्या हो गई आधार और ये क्या हो गया लंब। कर्ण हमारे पास नहीं है, कर्ण हम इससे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
कर्ण हमको ज्ञात करना है, लंब हमारे पास कितना है 3 और आधार कितना है 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, तो के बराबर रूट 25 यानी कि आ गया 5। अब हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास है 4, लंब हमारे पास है 3 और कर्ण हमारे पास क्या है 5, ठीक है। अब हम इस पे आ जाते हैं, दिया क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस साइन कॉस साइन आएगा भैया, अभी ये कमेंट करते रहो सभी लोग, सोचो जरा क्या होगा। तो एकदम कॉस टेन वाह भाई, 1 माइनस टेन में क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास क्या है 3, आधार कितना है 4, 3 बटे 4 अगर स्क्वायर लगा है तो हम इसको स्क्वायर लगा फिर बटा लगाएंगे, ठीक है। 1 प्लस टेन दिया है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, टेन में क्या होगा लंब बटे आधार का स्क्वायर बराबर, इधर क्या दिया है कास, कास में क्या होता है आधार बटे कर, आधार में 4 हो गया और 5 क्या हो जाएगा कर, यानी कि 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन में क्या होगा लंब बटे कर, लंब कितना होगा 3 और कर्ण कितना होगा 5, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 माइनस 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और 4 चौके 16, ये ऊपर हो गया 1 प्लस 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, इसको बटे 1 करके हम आगे हल करेंगे, इसका क्या होगा 4 चौके 16 और 25 माइनस 3 त्रिका 9 और बटे क्या होगा 25, इतना समझ में आया। अभी 16 का हम इसमें करेंगे, ये इसमें 16 एक 16 माइनस 9 बटे कितना 16, और इसके नीचे क्या होगा 16 प्लस 1 के 9 में गुणा 9 बटे 16 एक 16, इधर क्या होगा 25 हर बराबर है, ठीक है। अब 16 में से हम क्या करेंगे 9 घटा देंगे, 16 माइनस 9, जब इस तरीके का हो ना सबसे पहले फोकस किया करो कि हर बराबर है कि नहीं, अगर हर बराबर होगा तो एक बार ये लिखा जाएगा और 16 ये माइनस अगर माइनस और ये 9, लेकिन जब हर बराबर ना हो यहाँ पे देखिए तो इसका गुणा इसमें इसका इसमें और इसका इसमें 16 एक 16 और 1 गुणे 9 9 हो गया माइनस लगा के और 16 एक 16, अब इसको हम घटा लेंगे, ठीक है। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बटे 16, ये बटा वाला हो गया, और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 बटे क्या हो जाएगा 16, ये 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा बचेगा 7 बटे 25, अभी क्या है यहाँ कितना बचा है 7 बटे 25 बराबर क्या हो गया 7 बटे 25, ये स्क्रीन में आ रहा है 7 बटे 25 नीचे आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25, ये यहाँ से ऊपर 7 है नीचे 25 बचा है, 16 16 कैंसिल हो चुका है, ये 7 ये 25 ये है, यहाँ आ गया समझ में, ठीक है। लाइक वाइक करो यार दबा के, नहीं कर रहे हो। देखो अभी क्या है ये वाला चैप्टर क्लोज एकदम खत्म, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, ये जो मैं सवाल बताया हूँ ये 3 नंबर या 4 नंबर का आएगा, कल जो मैं बता रहा था वो 1 या 2 नंबर का आएगा, नॉर्मली 1 ही नंबर का आएगा, थोड़ा बड़ा कराएगा तो 2 नंबर का आएगा, ठीक है। पानी पी रहा हूँ मेरे दोस्त, देखिए ऑनलाइन आने का मतलब ये है ना, जिन बच्चों के पास शायद फीस की दिक्कत होगी कुछ है ना नहीं हो पा रहा है तो वो यहाँ से पढ़ो यार, पढ़ो और कम से कम लाइक शेयर तो करते रहो है ना, जो और बच्चे पढ़ने वाले उनको भी शेयर कर दो, ठीक है।
यहाँ पे देखिए कंटेंट मतलब ये नहीं है कि हमने एक सवाल पढ़ा है चार सवाल छोड़ दिया। अगर ऐसा करूँगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं लगभग सभी सवाल इसमें से करा दिया हूँ, ठीक है, जो आने लायक हैं। और हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग चलता है उसमें दो तीन बच्चियाँ ऐसी थी जिनके पिताजी का थोड़ा तबीयत खराब है, वो लोग बच्चे शायद इसलिए छोड़ के चले गए कि उनको टाइम नहीं मिल रहा था, पैसे की कमी आ रही थी। तो देखिए उन जैसे बच्चों के लिए आखिर मैं उनका फीस जो है फ्री किया था, ठीक है, फ्री एकदम चल रहा था उन लोगों का, मैं उन लोगों से पैसे भी नहीं मांग रहा था कि आप लोग, लेकिन उन लोगों के मन में जो था कि अभी हम लोग पढ़ेंगे लगातार तो शायद फीस हमारा बढ़ता जाएगा, इसलिए उन दो बच्चियों ने वो पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, वहाँ से मैं उनको मिलूंगा तो बताऊंगा, आप लोग आइए, फीस की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए तो हमारे एक मतलब गांव की या कस्बे की बात हो गई, लेकिन ये चीज़ सोचो आप जो दूर दूर से बच्चे हैं उनके यहाँ भी ये भी दिक्कत होगी, लेकिन मोबाइल सभी के हाथ में है। अच्छा एक चीज़ है, घर में कुछ हो ना या ना हो लेकिन इंटरनेट और मोबाइल दो चीज़ तो होगा ही, है ना, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। ये जो फ्री की क्लास है ये शायद स्कूल से मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा क्या है स्कूल को टक्कर देने लायक हम यहाँ पे दे रहे हैं सब कुछ, ठीक है, जब सब सवाल करा रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल में जो कराया जाता है वो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, ठीक है, जो कोचिंग में कराया जा रहा है वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, हो सकता है उससे बेटर आपको यहाँ पे समझने को सीखने को मिले, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वहाँ पे सीखने को ना मिले, हो सकता है यहाँ पे अच्छे से सीखने को मिल जाए, आप अकेले रहेंगे बराबर नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, इसलिए जो बच्चे कमज़ोर हैं नहीं आ पा रहे हैं पढ़ने के लिए तो उनको ये वीडियो लाभ पहुँचाएगा, ठीक है, और जो ऑफलाइन पढ़ते हैं तो उनके लिए और अच्छी बात है ना, कहीं भी पढ़ें, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग इस बार लाइक करेंगे, कर दिया करो यार, लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है, सभी लोगों को शेयर करो जो क्लास 10th के बच्चे हैं, है ना, 9th के बच्चे उन लोगों का भी यही आएगा, ठीक है, ओके, हो गया आज सब कुछ, ओके बच्चों, जय हिंद।